हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आ रहे हैं आम की लौजी। और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत चटपटी होती है। और आम के सीज़न आते ही सबसे पहले तो सबके मन में आम की लौजी और अचार बनाने का मन करता है। और बहुत ही चटपटा होता है और सीज़न में ज़रूर बनाते हैं सभी लोग और बहुत पसंद से खाते हैं। और ये बहुत झटपट ये बन जाते हैं, 5 से 6 मिनट में आराम से ये रेडी हो जाते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आएगा ये आपको। और वीडियो बहुत पसंद आने वाला है, लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर फेसबुक देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देखिए, मैंने कच्चे आम ले लिए अच्छे से और इन्हें साफ़ कर लिए पानी से और फिर पोंछ लिए। अब इनके हम छिलके निकाल देंगे। ये झटपट बन जाते हैं, बहुत ईजी है ये। और इस तरह से बनाएंगे बहुत ही जल्दी पक जाते हैं ये। तो एक बार इस तरह ज़रूर बनाइएगा और कमेंट पर ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। और ये देखिए, मैंने इसके छिलके हम निकाल दे रहे हैं अच्छे से। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत चटपटा होता है, बच्चे तो बहुत ही पसंद से खाते हैं ये। तो इसी तरह हम सभी को छिलके हम निकाल लेंगे। और देखिए, मैं छिलके निकाल दिए सभी के, इन्हें काट लेंगे अब हम। ये देखिए, इस तरह से हम काट लेते हैं और इनके बीच जो है उन्हें हम निकाल लेंगे। और इस तरह से इन्हें इस साइड से इस तरह से हम काट कर लेंगे। इन्हें 2 से 3 पीस में इस तरह हम काट रहे हैं। आपको जितना बड़ा आपको पसंद है उसी हिसाब से काटिएगा, लेकिन इस तरह से पीस से जल्दी पक जाते हैं आराम से। तो बीज निकाल के इस तरह से इन्हें काट ले रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से ये कट जा रहे हैं। देखिए इतनी बड़ी बड़ी पीसों हमने काट लिया है। इसी तरह हम सभी को काट लेंगे। देखिए मैंने सभी को काट लिया इसी तरह से। ये देखिए, अब हम कढ़ाई ले लेते हैं। इसमें 1 चम्मच के लगभग हम तेल डाल देंगे। 1 पिंच के लगभग हम हींग, 1/2 चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे, 1 चम्मच हम सौंफ डाल देंगे, 1/4 चम्मच के लगभग हम मेथी दाना डाल देंगे। अब 2 हम लाल मिर्च डाल देते हैं इसमें। ये बहुत चटपटा, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो 2 लाल मिर्च हम डाल देते हैं इसमें, तोड़ के हमने डाल दिया है। अब इसमें 1/4 चम्मच के लगभग हम कलौजी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये काफ़ी अच्छे से देखिए हो चुके हैं ये। अब इसमें आम को हम डाल देंगे और अच्छे से 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं साथ में ही मसालों के साथ। इसे भून के बनाइए थोड़ा सा, ये बहुत टेस्टी लगते हैं ये खाने में और झटपट ये पक भी जाते हैं। देखिए काफ़ी अच्छे से देखिए हो चुके हैं ये। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा मसाले में, काला नमक डाल देते हैं थोड़ा सा, 1/4 चम्मच के लगभग। 1 चम्मच के लगभग इसमें हम चाट मसाला डाल देंगे और बिल्कुल थोड़ा सा हम सादा नमक जो डेली यूज़ करते हैं वो हम डाल देंगे। और 1 चम्मच बिल्कुल हम भर के काश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये काफ़ी अच्छे से देखिए मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम 1 ग्लास हम पानी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम जितना मैंने आम लिया था उतना ही हम गुड़ ले लेंगे। इसकी जगह आप चीनी भी डाल सकती हैं, मिश्री भी डाल सकती हैं, जो आपको पसंद है वो डालिए। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, बॉयल होने तक इन्हें पका लेंगे हम। 1 मिनट भी कम लगता है, बहुत जल्दी ये पक जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से बॉयल होने लगे, गुड़ भी अच्छे से गल गए हैं। ये मैंने तोड़ के गुड़ डाला था तो बहुत जल्दी ये गल गए, पिघल गए बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए कितने अच्छे से बॉयल हो गए हैं ये। ये कितनी झटपट ये आम की लौजी बनती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार जरूर ट्राई करें, बहुत पसंद आएगा आपको ये।
इस तरह से बनाइए, बहुत झटपट बन जाती है ये। देखिए कितने अच्छे से ये बन गए हैं ये। अब इसमें हम थोड़ा सा बिल्कुल 1/4 चम्मच के लगभग हम गर्म मसाला डाल देंगे लास्ट में। देखिए बहुत अच्छे से हो गए हैं ये, इन्हें आपको दिखा देते हैं एक बार, देखिए पके हैं कि नहीं। ये देखिए कितने अच्छे से बिल्कुल पक गए हैं, बिल्कुल एकदम गल गए हैं ये देखिए। तो ये 5 से 6 मिनट के आराम से जल्दी भी बन जाते हैं ये। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसका पतला देखिए बिल्कुल पानी जैसा है ये इस तरह से, लेकिन ठंडा होने पर ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। और ये देखिए हमने बाउल में निकाल दिया है ठंडा होने पर। इतने अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। इन्हें हम दिखा देते हैं आपको, ये देखिए काफ़ी थिक हो गया ये देखिए इस तरह से हो गया ये। तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।